सबसे पहले खबर बागेश्वर से, यहाँ पर नदी में झील बन गई है जिससे चमोली तक के लिए खतरा पैदा हो गया है। और बता दें यहाँ पर कपकोट के दुर्गम क्षेत्र कुंवारी गांव के पास शंभू नदी में एक बार फिर से झील बन गई है। कुंवारी गांव की पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन के कारण नदी का पानी रुकने से झील बन गई। इससे आसपास के गांवों समेत चमोली के गांवों को पहले से ज्यादा खतरा पैदा हो गया है। जिला प्रशासन ने शंभू नदी पर बने झील को खोलने के लिए एक टीम तैयार की। इससे पहले भी इस नदी पर झील बन गई थी और इससे आसपास के क्षेत्र में खतरा पैदा हो गया था। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस बार इस झील का आकार और गहराई पहले से ज्यादा है। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन विशेषज्ञों की टीम को मौके पर भेज रहा है ताकि झील का पानी सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके और जोखिम को कम किया जा सके। जिलाधिकारी एवं सिंचाई विभाग के शासी अभियंता तथा भूवैज्ञानिक और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है कि जब मौके पर जाके इसका निरीक्षण करते हुए ड्रोन सर्वे और भूवैज्ञानिक की दृष्टि से भी किस वजह से ये हो रहा है इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अल्मोड़ा के मरचूला हादसे के बाद एक बार फिर से बड़ा एक्शन हुआ है। लापरवाही बरतने पर पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है। पौड़ी जिले के गोलीखाल चौकी के दो पुलिस जवानों को सस्पेंड किया गया है, जबकि अल्मोड़ा में सरल थाना इंचार्ज मदन मोहन जोशी के साथ मोहन चंद्र को भी लाइन हाजिर किया गया। ओवरलोड बस को अनदेखा करने और कोई कार्रवाई नहीं करने की लापरवाही बरतने पर एक्शन लिया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर से सभी SSPs को निर्देश दे दिए गए हैं कि ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई करें। आपको बता दें कि मरचूला हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी जबकि 27 लोग घायल हुए। जिले में जो है जो धुमाकपोट थाना आता है धौलीकाल चौकी है, इसमें स्टाफ को जो है जो बीट कर्मचारी है इनको सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा जो अल्मोड़ा जहां मेन एक्सीडेंट हुआ था तो वहां सल्ट थाने के जो SO है और हल्का प्रभारी है इनको लाइन हाजिर किया गया है। देहरादून से खबर मिल रही है, यहाँ पर दो दिन में दूसरा बड़ा हादसा हो गया है। आशा रोड़ी चौकी पर सेल्स टैक्स कर्मचारियों की गलती से 5 गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गई और हादसे में एक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सेल्स टैक्स कर्मचारियों ने एक पिकअप को रुकने के लिए इशारा किया जिससे अचानक ब्रेक लगाने पर एक के बाद एक 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। आखिर में आ रही कंटेनर बेकाबू होकर रौंदते हुए आग निकल गई। उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है, उसकी वजह ये है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका, ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना, उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। अच्छा। और टैंकर की स्पीड ज्यादा थी, वो जाहिर सी बात है बड़ा वाहन है, उसके एकदम से ब्रेक नहीं लगा, वो मेरे में आके घुस गया। चबोली हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्ट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और बताया जा रहा है कि सड़क कटिंग के लिए पहाड़ों को ब्लास्ट से उड़ाया जा रहा है, जबकि पहाड़ों में निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्ट करने पर रोक लगाई गई है। ब्लास्ट की वजह से पहाड़ियां कमजोर रह रही हैं और दो दिन पहले इस वजह से फोकलैंड मशीन के ऊपर मलबा गिर गया था जिससे ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेले का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, जौल जीबी का मेला हमारी एक अनमोल धरोहर है। जौल जीबी मेले से जहां लोगों को रोजगार मिलता है वहीं पर पड़ोसी देश नेपाल से हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। सीएम धामी ने कहा कि मेले हमारी परंपराओं को संजोने और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के आदि कैलाश आने के बाद से वहां लोगों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। सीएम धामी ने कहा, पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। यात्रा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनकी यात्रा के बाद इस क्षेत्र में आवागमन बढ़ा है। अनेक हमारे कारोबारियों का, व्यापारियों का, होटल वालों का, टैक्सी वालों का,
अनेक प्रकार से व्यापार बढ़ा है और पिछले साल की तुलना में 10,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस बार आदि कैलाश के दर्शन किए हैं। काली और गोरी नदी के संगम पर जलजीवी मेला स्टार्ट हो गया है। ये मेला भले ही आज व्यापारिक मेले के रूप में विख्यात है, लेकिन इसका आगाज 1871 में धार्मिक मेले के तौर पर हुआ था। कई दशकों का सफर पार करने के बाद जलजीवी मेले का स्वरूप ही काफी बदल गया है। देखिए, दशकों से जलजीवी मेले को इंटरनेशनल व्यापारिक मेले की पहचान मिली है। इस मेले का आगाज भले ही राजा पुष्कर पाल ने किया हो, लेकिन इसे व्यापारिक पहचान दिलाने का काम विक्रम और गजेंद्र पाल ने किया था। साल 1938 से 1947 के बीच मेले का संचालन अंग्रेजी हुकूमत ने भी किया था, लेकिन बाद में अस्कोट रियासत का भारत में विलय होने पर पाल राजवंशी इसको आयोजित करता रहा। मेले के महत्व को देखते हुए 1975 में यूपी सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। तभी से पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर इसे मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। ये मेला तो बहुत ही पुराना है बेसिकली। इसको ये उस जमाने में जब रियासत हुआ करती थी, तब ये मेला यहाँ पे सिर्फ जानवरों का मेला माना जाता था। उसमें घोड़े आते थे, याक आती थी, मतलब गर्म कम्बल वगैरह आते थे। साल 1962 से पहले तिब्बत के व्यापारी भी इस मेले में शिरकत करते थे, लेकिन भारत चीन युद्ध के बाद तिब्बती व्यापारियों का यहां आना पूरी तरह बंद हो गया है। आज इस मेले में भारत के साथ ही नेपाल के व्यापारी भी शिरकत करते हैं, लेकिन दशकों का सफर पूरा करने के बाद अब मेले का स्वरूप भी काफी बदल गया है। आलम ये है कि जो मेला कभी इंटरनेशनल व्यापार के लिए जाना जाता था, आज वो इतिहास को संजो कर रखने का जरिया बन गया है। जलजीवी मेला हमारे राज्य के लिए एक अनमोल धरोहर है, जो सदियों से भारत तिब्बत, भारत नेपाल, ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आपसी स्वार्थ बढ़ाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाया है कि जिलाधिकारी से इसका एक डिटेल मांग लेंगे और मेले को भव्य और दिव्य बनाने का। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप 15 लाख आप दे दीजिए तो 10 लाख मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा 25 लाख में हमारा जलजीवी का बेहतरीन मेला हो जाएगा। साल 1962 के बाद जलजीवी मेले में तिब्बती व्यापारियों का आना बंद हुआ, तो 2020 से भारत चीन व्यापार पर लगी रोक के चलते यहाँ तिब्बती सामान आना भी बंद हो गया। इस मेले ने जहाँ बॉर्डर के एक छोटे से इलाके को बड़ी पहचान दिलाई, वहीं ये मेला भारत, तिब्बत, नेपाल और पाल राजशाही की साझा संस्कृति का प्रतीक भी है। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेति की रिपोर्ट। चमोली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गौचर में 72वें राजकीय औद्योगिक विकास और सांस्कृतिक गौचर मेले का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति परंपरा की पहचान है और सरकार मेलों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम ने कहा हमारी सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का काम कर रही है ताकि पलायन को रोका जा सके। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर के कमलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। सीएम ने इसके बाद बैकुंठ चतुर्दशी मेले का शुभारंभ किया है। सीएम ने कहा श्रीनगर धार्मिक नगरी के बाद पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी खास पहचान बना रहा है और कमलेश्वर महादेव मंदिर और धारी देवी के दर्शनों को श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। मेला हमारे राज्य की अनमोल धरोहर है।
और केदारनाथ चुनाव में गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और जनता से बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। सांसद बलूनी ने आज उखीमठ मंडल के परकंडी शक्ति केंद्र पर परकंडी बूथ पर बीजेपी के लिए प्रचार किया। इसके साथ ही बलूनी ने उखीमठ की ग्राम सभा पाब में जनता से वोट की अपील की। वहीं उपचुनाव का प्रचार कर रहे अनिल बलूनी की बड़ी जीत का दावा वो करते नजर आए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौड़ में ही नहीं है और केदारनाथ में हुए कामों का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा और जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। केदारनाथ उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अगले बुधवार को पोलिंग होनी है और प्रचार के आखिरी राउंड में भी वोटर मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। देखिए केदारनाथ से हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट। केदारनाथ धाम हिंदू आस्था का प्रतीक है। हर साल दर्शन के लिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इन्हीं श्रद्धालुओं पर केदारवासियों की अर्थव्यवस्था निर्भर है। बेसिक सुविधा के मुद्दों के अलावा यहां यात्रा भी मुद्दा है। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की आशा नौटियाल, कांग्रेस के मनोज रावत, यूकेडी के आशुतोष भंडारी और पत्रकार से नेता बने त्रिभुवन चौहान मैदान में है। लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटी है। केदारनाथ उपचुनाव में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच पे है। यहाँ पर वोटर खुल के कुछ नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रांड इमेज और जो बीजेपी ने सरकार ने राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने खासकर केदारनाथ वैली में जो रिकंस्ट्रक्शन के काम किए हैं उसको फायदा मिलेगा। बद्रीनाथ चुनाव हारने के बाद यहां पर बीजेपी बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है। वहीं कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। यहां पर दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता फिलहाल आमने सामने हैं और लगातार प्रचार कर रहे हैं। 2013 में आई हिमालयन सुनामी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ घाटी में पुनर्निर्माण के कामों को आगे बढ़ाया। पीएम खुद कई बार केदारपुरी आए। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी विधायक शैला रानी जीती। उनके निधन के बाद हो रहे उपचुनाव में बीजेपी के लिए केदारनाथ जीतना प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। वहीं कुछ समय पहले बद्रीनाथ उपचुनाव जीतने वाली कांग्रेस भी उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी यहाँ संगठित है, सब कार्यकर्ता हमारे बैठे हुए हैं और निश्चित रूप में लोग सब जानते हैं, क्योंकि जो विरोधी थे वो तो कहते रहे भाई मेरी सरकार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो सरकार उनकी अब भी नहीं है, कुछ वो अब कर नहीं पाएंगे। तो लोगों की समझ में आ गया है कि इस समय मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है, मोदी जी की साधना का स्थल है, इसको यहाँ से भाजपा को विजय बना के भेजना है और यहाँ कमल खिलाना है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में है ही इसलिए कह रहे हैं कि मजबूत है, इसलिए मजबूत है कि केदारनाथ विधानसभा के साथ जिस प्रकार से सरकार ने भेद किया, यात्रा का मामला हो, केदारनाथ मंदिर में चढ़ाया गया सोना जिस प्रकार से पीतल हुआ हो, या केदारनाथ धाम को दिल्ली में बनाने की बात रही हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल रही है। दोनों पार्टियां वोटर्स के आगे पीछे घूम रही है, लेकिन वोटर है कि उपचुनाव को लेकर एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं। कांग्रेस के मनोज रावत जहां एक बार के विधायक रहे हैं, वहीं बीजेपी की आशा नौटियाल दो बार की विधायक रही। पीछा क्या है, बेरोजगारी बच्चा है, उसको रोजगार मिलेगा तो हमको सुविधा मिलेगा। माँ बाप को वही करना चाहिएगा, लिखियो पढ़ा लड़का बच्चा है वो बेरोजगारी है। यहाँ तो केदारनाथ जी भी हैं, साल भर यात्रा चलती है। यात्रा चल गया सबको नहीं है, यहाँ यात्रा तो चलती पर सबको नहीं है। कहीं बाहर का लोग का ये आती कहती जाती, वहाँ के लोग को पूछ कौन करते, गढ़वाली लोगों को कोई पूछ नहीं करते। वास्तव में ये तो मोदी के नाम पर जो वोट बीजेपी को पड़ रही वो मोदी के नाम पर पड़ रही है। अब देखो आशा नौटियाल जी दो बार विधायक रही, यहाँ से रह चुकी हैं, मनोहर रावत जी विधायक रह चुके हैं और अभी भी बोले हमें एक मौका दे, या तो हमें ये बेवकूफ बना रहे और अब मोदी के नाम पर जो वोट पड़ी हकीकत तो ये पुराने उन्हीं के नाम पर पड़ी है। हकीकत बोले हम जी, इस समय तो जनता अब इस समय तो कांटे की टक्कर होने वाली, निर्दलीय भी कम नहीं है इनमें। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार सोमवार को खत्म हो जाएगा। बुधवार को वोटिंग के बाद अगले शनिवार रिजल्ट आएगा। अगले करीब 120 घंटों में तय हो जाएगा बाजी किसके हाथ लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ उखीमठ से अनुपम त्रिवेदी की रिपोर्ट।
केदारनाथ में बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रखी हैं। आशा नौटियाल का कहना है कि सरकार ने केदारनाथ में कई विकास कार्य किए हैं और जनता बीजेपी के साथ है, लिहाजा उपचुनाव में जीत बीजेपी की ही तय है। वही न्यूज 18 ने आशा नौटियाल से केदारनाथ चुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। केदारनाथ उपचुनाव के कैंपेन के लिए कुछ दिन बचे हैं, ऐसे में हमारे साथ है बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल, जो दो बार की पूर्व विधायक रही हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है आपका आशा जी न्यूज 18 पे। आप दिन भर की कैंपेन करके आई हैं, इस ठंड में आप हमसे बातचीत कर रही हैं, कुल मिला के आपका जो अभी आप कैंपेन कर रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? देखिये, मैं जहाँ भी जा रही हूँ गाँव में, बहुत महिला पुरुष वृद्ध युवा सबका जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे साथ जुड़ रहा है, और निश्चित तौर पर वो जन सैलाब कहीं ना कहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों को लेकर जो लोगों में संतुष्टि है, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो निश्चित तौर पर उसके कारण ही वो जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। अच्छा, ये सीट क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का भी सवाल है, यूपी है, जैसे लोकसभा में जब फैजाबाद का चुनाव हुआ था वहां पर बीजेपी हार गई थी, उसी में अयोध्या भी आता है तो एक बड़ा मैसेज गया, फिर बद्रीनाथ का उपचुनाव हुआ वहां भी ये स्थिति रही, केदारनाथ में क्या आप ये प्रेशर फील कर रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, पता नहीं वहाँ फैजाबाद की क्या परिस्थिति रही, बद्रीनाथ की भी कोई अलग परिस्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को देखते हुए जुड़ रहे हैं, और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि केदारपुरी का जो पुनर्निर्माण हो रहा है और उसके अलावा यहाँ जो ऑल वेदर रोड हुई है उससे बहुत अधिक संख्या में यात्रियों का आवागमन हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जनपद के बहुत सारे युवाओं को केदारनाथ में रोजगार भी मिला है। कांग्रेस के जितने नेता हैं, तमाम बड़े नेता गोलबंदी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस तो मतलब कांग्रेस का तो काम ही वही है, और वहाँ तो जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, उतनी पार्टी है, तो निश्चित तौर पर विघटन है, ऐसा कुछ नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजय होगी और जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है, केदारनाथ विधानसभा के साथ पूरी यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के यहाँ के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार में उनकी तरक्की हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो ये थी बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल, जिनका मानना है कि परिस्थिति कुछ भी हो, केदारनाथ में इस बार बाजी बीजेपी के हाथ में लगेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए केदार वैली से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह गैरसैंण विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया है। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम ने लोगों से मुलाकात की और विकास कार्यों का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, गैरसैंण में हमारी सरकार विकास के साथ सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के लिए कार्य कर रही है। उत्तराखंड में कड़ा भू कानून मनाने के लिए अब जनता की भी पूरी पूरी राय ली जाएगी, ये बात गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। कांग्रेस ने सरकार के कदम का स्वागत किया है, लेकिन लोगों की राय को लेकर सवाल भी उठाए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों की जमीन बच सके, इसको लेकर कड़े भू कानून की मांग हो रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीनियर अफसरों और एक्सपर्ट्स के साथ गैरसैंण में मीटिंग की। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अभी जनता की भी राय ली जाएगी और नए कानून में कोई कमी ना रहे, इसीलिए जनता की बात को जगह दी जाएगी। तहसील, ब्लॉक, परगना लेवल पर जनता के साथ अफसर बात करेंगे, जनता क्या चाहती है उस बात को नए भू कानून में तवज्जो दी जाएगी। सरकार अगले साल मार्च में भू कानून लाने की तैयारी में है, यानी कि 4 महीने सरकार का पूरा जोर कड़े भू कानून पर रहेगा।
सीनियर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के मुताबिक जमीन खरीदने बेचने को लेकर गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और मैदान में अलग अलग पुराने नियम है। ऐसे में सबकी राय लेने से नए कानून में कमियां नहीं रहेंगी। सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि जिस प्रकार से आनंद फानंद में पहले भू कानून बनाते रहे, उसमें बड़े बड़े लूप होल छोड़ दिए गए, अब कम से कम इस बार हम उसको बिल्कुल एक फूल प्रूफ सिस्टम बनाए। इसलिए जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्थानीय जनमानस है, उनसे इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। कड़े भू कानून की मांग पहाड़ की जनता कर रही है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर इस मांग को मानने का भी भारी दबाव है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। जनता की राय लेने की बात पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया है, पर साथ ही एक सवाल भी उठाया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कथन का मैं स्वागत करता हूं अगर वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यूसीसी में ये कहा गया मीडिया से और हम लोगों से कि 2 लाख लोगों से ले बातचीत हुई है, लेकिन पब्लिक में जाने में पता चला कि 2 लाख लोगों से किसी से बात नहीं हुई। बहुत मेरे ख्याल से शायद ही कहीं कोई इस बात पे कोई चर्चा भी है, और उसी तरीके का कहीं ये भी ना हो। भू कानून मुझे लगता है जनता से करे ना करे, लेकिन भू माफियाओं से जरूर निश्चित ही कुछ ना कुछ बातचीत होगी, मुझे ऐसा लगता है। राज्य बनने के 25 साल बाद कड़ा भू कानून इस वक्त जनता की सबसे बड़ी डिमांड है। यही वजह है कि सरकार पर पुराने कानून को बदलने और नए कानून को लागू करने का भारी दबाव है। अब देखना होगा कि जनता की राय में क्या क्या नई बातें निकल कर सामने आती हैं, क्योंकि कड़े भू कानून की असल मांग अब जनता ही कर रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और 16 नवंबर को होने वाली उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 15 दिनों के बाद होगी। आपको बता दें कि हिमांशु तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि आयोग ने मार्च 2024 को पीसीएस का नया सिलेबस जारी किया था और 4 नवंबर को टॉपिक और बढ़ा दिए। याचिका में कहा है कि 3 पेपर में 600 अंक के हैं 3 पेपर, इसमें हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। वहीं हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीसीएस की मेन परीक्षा को अब 16 नवंबर की बदले 15 दिन बाद करने के आदेश दिए हैं। ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम था, मेंस एग्जामिनेशन, 16 तारीख से शेड्यूल्ड था, जबकि जो हिंदी हमारे वर्जन के परीक्षार्थी हैं उनका जो सिलेबस था उसको मॉडिफाई कर दिया गया 4 तारीख को, 4 नवंबर को, तो जो अनजस्टिफाइड होता और वो लिविंग प्लेइंग फील्ड से जो है बाहर हो जाते, तो इसलिए उसको हमने चैलेंज यहाँ ऑनरेबल कोर्ट में किया। ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया और कमीशन को डायरेक्ट किया है कि आप इस एग्जामिनेशन को 15 दिन एक्सटेंड करें।